गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट थर्ड सेकंड पेपर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट से रदरफोर्ड प्रकीर्णन का टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण। स्कैटरिंग एंगल और इम्पैक्ट फैक्टर बी, इनमें आपस में रिलेशनशिप डिराइव करना। रदरफोर्ड स्कैटरिंग में जो स्कैटरिंग एंगल है और जो इम्पैक्ट फैक्टर हम अभी आगे डिफाइन करेंगे, उन दोनों में संबंध हम ज्ञात करते हैं। तो इससे पहले संबंध ज्ञात करें, हमें रदरफोर्ड के कुछ पोस्टुलेट्स देखने होंगे। रदरफोर्ड ने माना था कि परमाणुओं का धन आवेश एक अत्यल्प आयतन यानी उनके केंद्र में केंद्रित होता है, इसका नाम है नाभिक। अल्फा कण के द्रव्यमान की तुलना में नाभिक बहुत भारी है और अल्फा कण के संघात से यानी टक्कर से नाभिक की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। प्रकीर्णन में अल्फा कण और नाभिक के ही कूलाम इंट्रैक्शन का रोल है इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नगण्य। नाभिक और अल्फा कण दोनों ही बिंदु मात्र है, बहुत छोटे छोटे हैं, यानी इनकी आंतरिक संरचना को हमने उपेक्षित माना है। ठीक है, बिंदु स्रोत इसलिए माना है कि कूलाम बल में हमें बिंदु स्रोत चाहिए होते हैं, बिंदु स्रोत पे ही कूलाम बल का फॉर्मूला लागू होता है। अब हम अगर परमाणु की परमाणु संख्या जेड माने तो नाभिक का आवेश होगा जेड ई पॉजिटिव और अल्फा कण जिसका आवेश होता है टू ई पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसलिए इसमें कूलाम प्रतिकर्षण बल लगता है एफ वन अपॉन फोर पाई एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ आर दोनों आवेशों यानी अल्फा कण और नाभिक के बीच की दूरी है और Q1 Q2 उनके चार्जेस जो बताए जेड ई और 2e यानी 2e इंटू जेड ई इक्वल टू 2ZE² / R² ये आ गया। क्वेश्चन नंबर वन, अब चूंकि हम जानते हैं कूलाम बल एक वर्ग व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, तो इसलिए अल्फा कण अतिपरवलयिक पथ का अनुसरण करता है, अतिपरवलयिक पथ से गुजरेगा स्कैटरिंग होने पर, जो इस डायग्राम में चित्र एक में दिखाया गया है। थीटा और बी, इनमें संबंध ज्ञात करने से पहले हमें पता होना चाहिए थीटा और बी है क्या चीज़। तो पहले संघात प्राचल, ये कुछ नया ही नाम है इम्पैक्ट पैरामीटर, इसका हम देख लेते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर, जब अल्फा कण और नाभिक के बीच में जो अन्योन्य क्रिया है, कूलाम इंट्रैक्शन है या कोई और इंट्रैक्शन है, उसको सबको हमने हटा दिया यानी इनमें कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो अल्फा कण का जो पथ होगा, तो डॉट डॉट से दिखा रखा है दो लाइन डॉट डॉट वाली, ऊपर वाली डॉट डॉट लाइन है वो अल्फा कण का पथ है, जबकि कोई इंट्रैक्शन नाभिक और अल्फा कण में नहीं हो। नीचे वाली डॉट डॉट वाली लाइन है वो उसमें जो बड़ा बिंदु है वो नाभिक, तो उस समय अल्फा कण के पथ की नाभिक से न्यूनतम दूरी, उसे बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, संघात प्राचल। ठीक है, जब नाभिक और अल्फा कण में कोई अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही है, तो उस समय जो अल्फा कण का पथ होगा, जो आगे डॉट डॉट से दिखा रखा है ऊपर वाला लाइन पीछे आ गए सॉरी ऊपर वाली लाइन, और इसमें जो इस पथ की न्यूनतम दूरी है नाभिक से वो कहलाती है इम्पैक्ट पैरामीटर बी। दूसरा है स्कैटरिंग एंगल, अब चूंकि हम जानते हैं कि अन्योन्य क्रिया तो होती है, अन्योन्य क्रिया होने से जो प्रारंभिक पथ है जो P1 वेक्टर डायरेक्शन दिखा रखी है नाभिक की, और जो अंतिम पथ है स्कैटरिंग के बाद में P2 वेक्टर की डायरेक्शन दिखा रखी है, उन दोनों के मध्य जो कोण होगा P1 वेक्टर की डायरेक्शन में और P2 वेक्टर की डायरेक्शन में,
जो कोण है जो शो कर रखा है थीटा, वो कोण थीटा प्रकीर्णन कोण कहलाता है। ठीक है, इन दोनों में संबंध ज्ञात करना है। तो पी वन वैक्टर और पी टू वैक्टर जो चित्र टू ए में दिखा रखे हैं, वो उनके बीच में कोण है थीटा। ठीक है, हम इसको इसी डायग्राम को टू बी की तरह बना सकते हैं। जब दोनों की पूंछ पी वन की और पी टू की पूंछ को मिलाया जाए, और फिर अगर हम पी वन वैक्टर की के सर से पी टू वैक्टर के सर तक ले जाएं, एक वैक्टर खींच दें, तो वैक्टर डेल पी वैक्टर होगा और डेल पी वैक्टर पी टू माइनस पी वन होगा सदिश योग के त्रिभुज नियम से। ओके, ये एक त्रिभुज बन गया है जिसमें हम पी वन वैक्टर पी टू वैक्टर और डेल पी वैक्टर दे रखे हैं। लेकिन अभी पीछे हमने माना था कि नाभिक स्थिर है, नाभिक बहुत भारी है, वो नहीं लेगा अपनी जगह से, स्थिर रहेगा। इट मीन्स नाभिक का संवेग शून्य था, शून्य है। और संवेग संरक्षण से हम कह सकते हैं कि जो पहले अल्फा कण आया था उसका संवेग, और बाद में जो अल्फा कण गया है टक्कर के बाद में उसका संवेग, दोनों बराबर होंगे। कि नाभिक का संवेग पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो है। तो P1 और P2 के परिमाण बराबर होंगे। P1 वेक्टर मोड इक्वल टू P2 वेक्टर मोड इक्वल टू M इंटू V, जहाँ M नाभिक का द्रव्यमान और V उस नाभिक से, सॉरी, M अल्फा कण का द्रव्यमान था, V उस नाभिक से बहुत अधिक दूरी पर उस अल्फा कण का वेग। ठीक है, जहाँ पे P1 उसका संवेग था। ओके, अब यहाँ पे एक ये भी हम क्लियर कर लेते हैं, एंगल P1 P2 और डेल P, ये जो त्रिभुज है इसमें P1 P2 बराबर हो गए। तो यदि हम उस P1 P2 को मिलाने वाले शीर्ष से डेल P पर एक रेखा खींचें, लंब खींचें, तो त्रिभुज जो नीचे वाला है वो भी एक समकोण त्रिभुज बन गया, ऊपर वाला भी समकोण त्रिभुज बन गया, दो त्रिभुज बन गए। इसमें एक समकोण है, एक थीटा बाई टू है, तीसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई टू या पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, यानी हाफ पाई माइनस थीटा। और सिमिलरली ऊपर वाला एंगल भी, तो इसका मतलब डेल पी का पी वन से और पी टू से दोनों से एंगल सेम है, हाफ पाई माइनस थीटा। ओके, चलिए अब हम डेल पी का मान ज्ञात कर लेते हैं कितना होगा। डेल पी वैक्टर जैसे बताया त्रिभुज नियम के, त्रिभुज सदिश योग के त्रिभुज नियम से, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर और डेल P मोड इक्वल टू A माइनस B वेक्टर के लिए जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे, P2 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2 P1 P2 कोस थीटा। ठीक है, जैसा कि A वेक्टर माइनस B वेक्टर का मोड होता है, तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 A डॉट B या 2 AB कोस थीटा, वैसे ही ए और वी की जगह यहाँ पे पी टू और पी वन है। फिर पी वन और पी टू के परिमाण के मान रख दें, एम वी एम वी, तो एम वी स्क्वायर प्लस एम वी सॉरी एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और उधर भी माइनस भी टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, वो तो कॉमन आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, बारह के बन जाएगा एम वी, एक बच गया टू माइनस टू कोस थीटा, यानी टू भी कॉमन ले लिया हमने रूट के अंदर, तो वन माइनस कोस थीटा, और वन माइनस कोस थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो टू टू फोर ब्रैकेट से बारह आ गए टू, और साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बन गया साइन थीटा बाई टू, तो टू एम पी साइन थीटा बाई टू, ये आ गया डेल पी। ओके, अब हम देख रहे हैं कि जो नाभिक आता है इसके नज़दीक, सॉरी अल्फा कण आता है नाभिक के नज़दीक, तो जब ये इसके प्रभाव क्षेत्र में आएगा तब इस पर एकदम से फोर्स लगेगा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम फोर्स मतलब इम्पल्स, तो वो इम्पल्स कितना होगा एफ डी टी, और कितने टाइम के लिए लगा उसके लिए समाकलन, तो कुल इम्पल्स आ गया एफ डी टी या एफ कोस फाई डी टी। अभी कोस फाई क्या है, सॉरी फाई क्या है, कोस फाई क्यों आया, क्योंकि एफ लग रहा है नाभिक और अल्फा कण को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश,
और डेल पी हमने पीछे निकाला उस वो एक फिक्स डायरेक्शन में है, पी वन और पी टू दोनों से एक सेम एंगल हाफ पाई माइनस थीटा बनाते हुए, ठीक है। तो डेल पी वेक्टर और एफ वेक्टर इन दोनों के मध्य जो कोण है वो है कोस फाई। तो हमने एफ का डेल पी के डायरेक्शन में घटक लिया है, वो हो गया एफ कोस फाई, ठीक है। यहाँ पे जो दिखाया है एफ कोस फाई, देखिए ये एफ वेक्टर है और ये डेल पी वेक्टर है, इनके बीच में कोण फाई, जबकि डेल पी का पी वन के साथ में कोण ये भी पाई, हाफ पाई माइनस थीटा बाई टू, सॉरी हाफ पाई माइनस थीटा, और इधर डेल पी का पी टू के साथ में डेल पी और पी टू ये भी हाफ पाई माइनस थीटा, ओके। देन चलते हैं हम यहाँ पे, ओके। तो वो हो गया एफ कोस फाई डी टी। अब हम जानते हैं कि आवेग यानी इम्पल्स संवेग में परिवर्तन की दर संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, तो एफ डी टी इक्वल टू डेल पी। पीछे जो डेल पी का मान निकला था वो हम यहाँ पर रख दें, तो हमारे पास मिल जाएगा टू एम वी साइन थीटा बाई टू इक्वल टू एफ कोस फाई डी टी, और डी टी यानी टाइम के साथ में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टाइम माइनस इन्फाइनेट यानी स्टार्टिंग से लेकर प्लस इन्फाइनेट लास्ट तक, ठीक है। अब पर एक दिक्कत है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है समय के सापेक्ष जबकि वेरिएबल आ रहा है फाई, तो या तो हम डी टी को फाई में कन्वर्ट करें या फिर डी फाई में कन्वर्ट करें या फाई को टी में कन्वर्ट करें, तो हम यहाँ पे डी टी को डी फाई में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। देखते हैं डी टी इक्वल टू डी टी अपॉन डी फाई इंटू डी फाई, ठीक है। जहाँ पे हम जानते हैं डी फाई बाई डी टी होता है ओमेगा, डी फाई बाई डी टी होता है ओमेगा, ठीक है। ये हम डी टी को रख देंगे, तो लेकिन चूंकि टी को फाई में कन्वर्ट किया तो अब लिमिट्स भी चेंज होगी, पहले लिमिट्स इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट थी, जब माइनस इनफाइनाइट होगी तो देखते हैं माइनस इनफाइनाइट पे किधर लगेगा फोर्स, माइनस इनफाइनाइट पे अल्फा कर्ण है उससे बहुत दूरी पर, अनंत दूरी पर, बहुत पहले की बात, स्टार्टिंग में बहुत दूरी पर है, तो जो नाभिक और अल्फा कर्ण के बीच में कोण है वो जो पी वन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में उस दिशा में होगा, और पी वन वेक्टर का डेल पी से कोण, सॉरी नाभिक और अल्फा कर्ण के बीच में बल है एफ, वो पी वन की दिशा में होगा, पी वन और डेल पी के बीच में कोण है हाफ पाई माइनस थीटा बाई टू, और जो कि लेफ्ट साइड में है इसलिए इसको हम माइनस हाफ पाई माइनस थीटा ये हम ले लेते हैं, ठीक है। और जब अनंत प्लस अनंत पे, प्लस अनंत समय किधर होगा फोर्स, प्लस अनंत पे होगा डेल पी पी टू वैक्टर डायरेक्शन में, प्लस अनंत में जैसे अल्फा कर्ण जा रहा है लास्ट में उधर, यानी बल होगा पी टू वैक्टर डायरेक्शन में, तो डेल पी वैक्टर का पी टू वैक्टर के साथ में कोण हाफ पाई माइनस थीटा, ये है इसके क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इस तरह माइनस पाई माइनस थीटा बाई टू और प्लस पाई माइनस थीटा बाई टू ये दो कोण इसके लिमिट होंगी, तो लिमिट रखे और डी टी का मान रख दिया। लेकिन अभी भी दिक्कत है, डी टी अभी भी आ ही रहा है डी टी बाई डी फाई, तो इसको हम ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे हम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से। कोणीय संवेग संरक्षण नियम से क्या होता है, एम ओमेगा आर स्क्वायर नियत रहेगा, और या फिर एम वी बी के बराबर होगा, एम वी बी एम द्रव्यमान है नाभिक अल्फा कण का, बी उसका वेग है, और बी बी है न्यूनतम दूरी नाभिक और अल्फा कण के बीच की, जब वो वहाँ पहुँच जाता है उस टाइम पे वो दूरी, जबकि उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा हो, यानी इम्पैक्ट पैरामीटर, हमें वैसे भी इम्पैक्ट पैरामीटर को इसमें शामिल करना ही था कि हमें इम्पैक्ट पैरामीटर और थीटा में ही संबंध ज्ञात करना है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू एम वी बी, या ओमेगा इक्वल टू वी बी बाई आर स्क्वायर, या डी टी बाई डी फाई
इक्वल टू वन बाई ओमेगा यानी आर स्क्वायर बाई वी पी, ये हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 8 में। और ये पुट करने के बाद में सिंपली एफ आर स्क्वायर वी बाई वी वी बी ये सब बाहर आ जाएंगे कि हम इंटीग्रेशन तो फाइव पे कर रहे हैं केवल, वही एक वेरिएबल है और बाकी सबको हम राइट साइड में ले जाएँ। तो इंटीग्रेशन करने के बाद में 2 cos थीटा बाई 2 मिलता है और इसको सोल्व करें तो cot थीटा बाई 2 इक्वल टू 4π0 mv स्क्वायर बाई 2 ze स्क्वायर इंटू बी, ये थीटा और बी में संबंध आ गया। इसको हम और ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू ई, जो एनर्जी है अल्फा कण की वो हम पुट करें तो 4π0 ई अपॉन ze स्क्वायर इंटू बी, या इसको इसलिए कह सकते हैं E अपॉन के जेड स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू कोट थीटा बाई 2। हम जानते हैं थीटा बढ़ने पर कोट थीटा कम होता है, या फिर कोट थीटा बढ़ने पर थीटा की वैल्यू कम होती है। तो जब B बढ़ेगा तो कोट थीटा बाई 2 का मान बढ़ेगा, इट मीन्स थीटा का मान कम होगा। तो इस तरह हम देखें नाभिक से जैसे जैसे संघात प्राचल इम्पैक्ट पैरामीटर का मान बढ़ता जाता है अल्फा कण के लिए, वैसे वैसे थीटा यानी प्रकीर्णन कोण का मान भी कम होता जाता है। जितना दूर होगा अल्फा कण उतना ही कम मुड़ेगा और जितना नज़दीक जाएगा उतना ही अधिक मुड़ेगा। डायग्राम में दिखा रखा है कि अल्फा कण जैसे जैसे नज़दीक जा रहा है वैसे वैसे थीटा कोण का मान बढ़ता जा रहा है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इससे संबंधित जो भी आपको समस्याएँ हैं वो आप मुझसे पूछेंगे, और अगर आप नहीं पूछते हैं तो जल्दी ही मैं आपसे पूछूंगा।